देखिए करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी थी क्या इस देश में बेटी सुरक्षित कब होगी या फांसी बहुत पहले पढ़ना चाहिए था। 10 साल न्याय में लग जाए, 17 साल, 7 साल और इस 10 साल के बीच निर्भया के बाद न जाने 34% बलात्कार के केस बढ़ गए। लोगों के भीतर न्याय के प्रति न तो सम्मान है न तो डर है, क्योंकि राजनीतिज्ञों का हर चीजों में हस्तक्षेप, आज न्याय के सम्मान और न्याय के द्वारा जो कानून है उसका डर समाप्त होता जा रहा है। इन बलात्कारियों के भीतर, बेमानों के भीतर, भ्रष्टाचारियों के भीतर, गलतियों के भीतर और आम लोग भी उम्मीद धीरे धीरे खोते जा रहे हैं कि क्या मुझे न्याय मिल पाएगा। मैं नहीं जानता हूं कि इसमें दोषी निर्दोष, जब एक मजबूत और कठोर निर्णय लिए जाते हैं तो अच्छा और गलत दोनों होता है। निश्चित रूप से यह हर माँ और बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक विश्वास का दिन है, एक फिर से सवेरा, एक उम्मीद, एक सपना देखने का। लेकिन जब भारत में मैं महसूस करता हूं, देखता हूं तो आज तक किसी बड़े लोगों को फांसी नहीं होती है बलात्कार, किसी को 7 साल, किसी को 14 साल। शेल्टर हाउस में मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, सारे गरीब बच्चों को फांसी हुई का शेल्टर हाउस में मार के जला दिया गया बलात्कार कर, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारी सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाई। इसी बिहार में बरुना बलात्कार केस सीबीआई जांच कर रही है, दिल्ली कह रहा है 10 लाख रुपया देंगे, कोई बताओ, जबकि सबको पता है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार करके किसने मारा। इस तरीके से लाखों बेटी ऐसी हैं जिनको बलात्कार के बाद समाज ने समझौता कर दिया, या तो न्याय को, न्याय ने काम नहीं कर पाई, पुलिस और नेता मिलकर के जाति धर्म मजहब के आधार पर, पैसे के आधार पर चीजों को खत्म कर दिया, या ताकतवर लोगों ने अपने रसूख के बदौलत न्याय को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो कॉमन लोग जो बड़े लोगों के शिकार होते हैं, कॉमन बच्ची, आम लोग, इन माफियाओं के, ताकतवर के, उन्हें फांसी कब मिलेगी? जब तक सबसे अंतिम गरीब बच्चियों के गुनाहगार को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक जस्टिस नहीं हो, तब तक हम न्याय नहीं मानते हैं कि हम पूर्ण रूप से हमें देश में न्याय मिली। हम चाहते हैं कि फांसी के भागीदार वो लोग हों जिन्हें डेमोक्रेसी, संविधान को चलाने का जनता ताकत देती है और वो आम लोगों के साथ, आम बच्चियों के साथ अपने रसूख के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए उसका इस्तेमाल करती है। ऐसे लोगों को के खिलाफ फांसी हो जिसमें नेता हैं, पदाधिकारी हैं, पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, जो बेटियों का सम्मान नहीं करते, बहनों का सम्मान नहीं करते, जो इस्तेमाल करते हैं बेटियों, बहनों का, ऐसे लोगों के भीतर डर होना जरूरी है जो बेटी और माँ बहनों को भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की तहजीब, भारत के रिश्ते जो है उसके तहत हमें देखने की का एहसास हो और हम भीतर से डरें और उस डर के कारण इज्जत करना शुरू करें बेटी।
इसीलिए जो निर्भया में फांसी आई, देर आए दुरुस्त आए, मैं नहीं बता सकता हूं। एक पिता होने के नाते, एक मानवता होने के नाते, आज मानवता के भीतर एक विश्वास जगा है, लेकिन अंतिम न्याय और विश्वास तब होगा जब समाज में सरोकार रखने वाले और जनप्रतिनिधि और संविधान की शपथ लेने वाले लोगों के द्वारा गलत कामों के बाद उससे फांसी होगी, तभी न्याय की कोई उम्मीद की जा सके।